जो अफगानिस्तान में सूरत हाल चेंज हो रही है उसके जिम्मेदार हमें ऐसे ठहराया जा रहा है जैसे सब कुछ हमने किया है, हम सफाइयां पेश करते फिर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का मौकफ ये है, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा होता, बड़े हमले हो रहे होते हमारे ऊपर, इसका कोई हल है आपके पास? अफगानिस्तान का मसला ऐसा तो नहीं हुआ कि अचानक से तालिबान आए और उन्होंने काबुल पे जाके कब्जा कर लिया। ये दुरुस्त है कि ये शायद वक्त से थोड़ा पहले हो गया, लेकिन सारी दुनिया को इस बात का इल्म था, विड्रॉल हो रहा था नेटो फोर्सेस का, यूएस की फोर्सेस जा रही थी, अनाउंसमेंट हुई भी थी, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान का जो भी पॉजिटिव रोल हो सकता था पाकिस्तान ने अदा किया, जिसकी रिकग्निशन और रियलाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया में थी। जितनी दफ़ा बात हुई, चाहे वो ज़ल्मे खलीलजाद ने बात की हो चाहे किसी और ने बात की हो, पाकिस्तान के जो रोल है उसको उन्होंने सराहा, और पाकिस्तान ने उस वक्त भी यही कहा था कि भाई हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं क्योंकि स्टेबल अफगानिस्तान ही स्टेबल पाकिस्तान की जमानत हो सकता है। कि न्यूजीलैंड की टीम आकर वापस चली गई, इंग्लैंड की टीम का दौरा मंसूख हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अभी जो फ्यूचर में दौरे थे वो भी, यानी इस तरह तो ये सिलसिला चल निकला। तो जहाँ लोग बात ये कर रहे हैं टीम थी फिर यहाँ से गई, जो भी हुआ इतनी छोटी सी बात पर कि ईमेल आई है नहीं बुलाती, उसके पास कोई ठोस सबूत थे तो वो सबूत क्यों नहीं लिए गए, अच्छा वो नहीं देने को तैयार वो बात, लेकिन यहाँ तक कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी वीडियोस दिखाई गई हैं अंदर रूम्स की या क्रिकेट टीम के सारे न्यूजीलैंड के लोगों की, कि जिससे उन्होंने कहा कि वाकई जो यहाँ तक पहुँच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी दहशतगर्दी होने वाली है पाकिस्तान में? हम ये कहें कि इस पूरे अमल में हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है, दुश्मन की साजिश है, वो कामयाब हो गया भाई, तो अगर उसका तो काम है साजिश करना, दुश्मन का काम है हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, अब आगे हमारा काम यह है कि हमने अपनी इतनी कॉम्पिटेंस को बिल्ड करना है कि हम उस साजिश को नाकाम बनाएं। कहा गया कि जी ये इंडिया से ईमेल्स की गई, ट्विटर अकाउंट से ये कहा गया, एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से धमकी दी गई, देखिए उन्होंने तो ये काम करना है, वो इसी काम पर हैं, उन्होंने हमें नुकसान पहुँचाना है। कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर के अपने एंड पे आप अगर सोचें न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, और उसको अगर कोई उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को थ्रेट कॉल बताती है, थ्रेट अलर्ट के बारे में आगाह करती है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपने लोगों की हिफाजत। आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। आज हमने आप लोगों के वीकेंड को अच्छा बनाने के लिए मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपके पास आए और पाकिस्तान की सूरत हाल, साथ साथ पाकिस्तान में सियासी माहौल कैसा है इसके बारे में भी गुफ्तगु आप तक पहुंचाई जाए, अफगानिस्तान की सूरत हाल अब कैसी है, ये सब जानने के लिए आज हमने बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, जो है डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स न्यूज वन टीवी, वन एंड ओनली हाफिज तारिक महमूद। बहुत मंझे हुए जर्नलिस्ट भी हैं, मीडिया पर्सन भी हैं, और मेरे एक जमाने के बड़े धुआंधार डिबेट पार्टनर भी रह चुके हैं। मैं आपको वेलकम करती हूं अपने स्टूडियो में, कैसे मिजाज? शुक्रिया शफक आपका जी, बड़ी खुशी है आपसे बात करते हुए और आज आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, मुझे पता है बहुत मसरूफियत के बाद जब आपको कोई ऐसे तंग करे कि भाई हम तो गैर दैर में बैठे हुए थोड़ा सा टाइम दे दें, तो आपने हम परदेसियों के ऊपर भी थोड़ा सा रहम फरमाया, इसके लिए मशकूर हूँ। अच्छा, मैं बड़ी तेजी से आऊंगी उसके ऊपर, क्योंकि हम क्योंकि बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी से कि जिसको इस वक्त सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है, जो मुख्तलिफ ममालिक में बसते हैं वो यकीनन मेरी इस बात से तायीद करेंगे, तो हम जरा उसी तनाजुर में आपसे बात करें, क्योंकि आप वहां बैठे हुए मीडिया पर्सन है और सारी मतलब बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात का आप इंटरव्यू लेते हैं, आज हम आपका वो सारा तजुर्बा जो सबसे सुन के आपने हासिल किया होगा वो लेना चाहते हैं। पहले तो मुझे बताइए तारिक महमूद साहब, कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग जो यहाँ पर जो अफगानिस्तान में सूरत हाल चेंज हो रही है उसके जिम्मेदार हमें ऐसे ठहराया जा रहा है जैसे सब कुछ हमने किया है, हम सफाइयां पेश करते फिर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का मौकफ ये है, लेकिन कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा होता, बड़े हमले हो रहे होते हमारे ऊपर, इसका कोई हल है आपके पास? देखें, बहुत शुक्रिया एक तो मुझे प्रोग्राम में इन्वाइट करने का। ये बात आपने दुरुस्त फरमाई है कि इस तरह की सूरत हाल है कि हम बहुत सारी चीज़ें अच्छा करने के बावजूद भी
दुनिया को उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते जो कि हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये हमारी एफर्ट होती है। अब जो अफगानिस्तान के तनाजुर में आपने बात की, तो अफगानिस्तान का मसला ऐसा तो नहीं हुआ कि अचानक से तालिबान आए और उन्होंने काबुल पे जाके कब्जा कर लिया। ये दुरुस्त है कि ये शायद वक्त से थोड़ा पहले हो गया, लेकिन सारी दुनिया को इस बात का इल्म था, विड्रॉल हो रहा था नेटो फोर्सेस का, यूएस की फोर्सेस जा रही थी, अनाउंसमेंट हुई भी थी, 11 सितंबर की डेडलाइन रखी थी। फिर एक्सपेक्टेशन खुद जो आप देखें कि जो बाइडेन ने कहा कि और जो उनके जो बाकी जो अमेरिकन जितने हलके हैं वो कहते हैं कि जी हमारी तवक्को ये थी कि शायद दिसंबर तक तालिबान टेक ओवर कर लेंगे। अब हुआ क्या अफगानिस्तान के अंदर, हुआ ये कि जो आप कोई लगभग 20 साल से इन्वेस्टमेंट थी जो नेटो फोर्सेस की और स्पेशली यूएस की अफगान फोर्सेस को बिल्ड करने के लिए, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट के हवाले से जितने वो पैसे झोंकते रहे हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो एक रेत की दीवार साबित हुई, एकदम से ढह गई। तो इस ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड ज़रूर था, लेकिन बाकी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। अब उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा था, उसके बैकग्राउंड में आपके इल्म में है कि तालिबान की जिस तरीके से अमेरिकन के साथ मुलाकात, फिर उनकी चाइनीज़ के साथ मुलाकात, फिर दोहा के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फिर अफगान अमन जिरगे हो रहे हैं जो उनके मुख्तलिफ जो उस सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकात थे, चाहे वो पश्तून हो, उज़्बेक हो, ताजिक हो, वो मिल रहे थे। तो ये सब कुछ एक प्रोसेस के तहत हो रहा था, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान का जो भी पॉजिटिव रोल हो सकता था पाकिस्तान ने अदा किया, जिसकी रिकग्निशन और रियलाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया में थी, यानी रशियंस की जानिब से, चाइनीज़ की जानिब से, खुद अमेरिकन की जानिब से। जितनी दफ़ा बात हुई, चाहे वो ज़ल्मे खलीलजाद ने बात की हो, चाहे किसी और ने बात की हो, पाकिस्तान के जो रोल है उसको उन्होंने सराहा, और पाकिस्तान ने उस वक्त भी यही कहा था कि भाई हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, क्योंकि स्टेबल अफगानिस्तान ही स्टेबल पाकिस्तान की जमानत हो सकता है। अगर हमारे पड़ोस के अंदर हालात ठीक नहीं होंगे, वहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा, डिस्टेबिलिटी होगी, तो हम भी इफेक्ट होंगे। तो हमने उस वक्त भी फैसिलिटेट किया, उसके बाद भी जो हमारा रोल है वो यही है कि हमने टांग नहीं अड़ाई, हमने ये नहीं किया जिस तरह हम 96 में करते रहे कि जी तालिबान हमारे बच्चे हैं, हमने उनको कोई चीज फोर्स करके कोशिश की हो कि हमारी कुछ चीजें हो जाएं। तो हमारा रोल बड़ा न्यूट्रल और पॉजिटिव रहा है, दुनिया ने चाहे वो उसको जाहिरी तौर पर माने या ना माने, उनको पता है, क्योंकि अगर हमारी कोई भी नेगेटिव चीज होती तो अब तक पूरी दुनिया उसको उछाल उछाल के हमारे खिलाफ एक बड़ी प्रोपेगेंडा जो है मुहिम चला चुकी होती। तो कोई एक चीज पाकिस्तान के खिलाफ नहीं मिल सकी कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान अपनी कोई चीज मुसल्लत करना चाहता है। हमारा बड़ा न्यूट्रल स्टांस रहा है, और प्रैक्टिकली हमने अपने आप को न्यूट्रल रखा है, आगे भी रखेंगे। तो आज नहीं तो कल जब कोई चीज नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है इसको मानना पड़ेगा। फर्क सिर्फ जो कमजोरी है, वो कमजोरी ये है कि चूंकि हम डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर हमेशा से कमजोर रहे हैं, वहां हमारी जो मौकफ है उस भरपूर तरीके से हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो दुनिया में नहीं पहुंचाते रहे जिस तरह पहुंचाए जाने का हक था। तो अगर हम अपनी ये जो सफारतकारी का जो अमल है इसको मजबूत कर लें, अपनी चीज की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो मार्केटिंग स्किल्स हैं, उसको बेहतर बना लें, तो फिर कोई वजह नहीं है कि लोग हमारी बात को, जो कि हम अमली तौर पर कर रहे हैं, उसको मानने के लिए तैयार ना हो। अच्छा, मुझे यहाँ पे आप ही की बात से मैं आगे बढ़ूं, जो आपने कहा कि टांग नहीं अड़ाई, लेकिन दुनिया तो यहाँ पे हमें यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी टांग अड़ा रहा है। जो तालिबान की हुकूमत बन रही है, जो अबूरी हुकूमत बनी है, उसमें जितने नाम थे वो पाकिस्तान की तरफ से दिए गए। यहाँ पे सेंशन पाकिस्तान #, मुहिम चलाई गई, जहां मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई हूँ, बड़ी पुरजोर तरीके से, वो तो मेहरबान हो गई कोरोना के लॉकडाउन की, वरना तो प्रोटेस्ट की लाइन लगी हुई होती। कुछ शायद वो जोरदार तरीके से इन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उसके पीछे इंडियन माफिया था, आरएसएस के लोग थे, जो कि तस्वीरों में हमें नजर आए कि वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उछाला तो जा रहा है जनाब, पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी लोग बस रहे हैं, हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो यानी तसादुम की फजा जो है इन ममालिक में शुरू हो गई है। तो ये जो वहम आ गया दुनिया के जहनों में, या जो यहाँ पे एलीट क्लास अफगानी बसते हैं या असाइलम सीकर्स यहाँ पे बसते हैं, उन्होंने तो यही कहना शुरू कर दिया है कि ये सब कुछ पाकिस्तान की वजह से हुआ है। तो ये वहम कैसे दूर किया जाए उनका? देखें, एक तो जो नाकामी हुई है वहाँ पे अलाइड फोर्सेस को, उसका मलबा भी हम पे डालने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान ने जो है वो डबल गेम खेला और पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सपोर्ट करता रहा। चीज़ें तालिबान भी हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मुरीद इल्ज़ाम ठहराते रहे। आप मुल्ला अब्दुस्सलाम ज़ईफ़ की किताब पढ़ लीजिए, यही मुल्ला अब्दुलगनी ब्रादर यहाँ पर अरेस्ट हुए, फिर परवेज़ मुशर्रफ़ साहब की किताब का मुताला कर लीजिए कि हमने
हमने क्या किया उनके साथ, यानी 2001 से लेके और 2021 तक जो पूरा दौरानिया रहा है, हमने किस हद तक सपोर्ट की है यूएस की और अलाइड फोर्सेस की। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसका हमें फिर खमियाजा भुगतना पड़ा है, चाहे वो एपीएस की सूरत के अंदर हो, चाहे वो जो लगभग कोई 90,000 अफराद हमारे शहीद हुए उसकी सूरत में हो, चाहे हमारी जो इकोनॉमी तबाह हुई है उसकी सूरत में हो। अब रहा प्रोपेगेंडा की बात, जो आपने हैशटैग का बताया कि सैंक्शंस पाकिस्तान यहाँ पे भी हुआ, फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस पूरे हैशटैग का और ट्विटर के ऊपर जो मुहिम चली उसका एक पोस्टमार्टम करके बताया गया कि कहाँ से इनिशिएट हुई, कितने हज़ार ट्विटर अकाउंट्स थे जो इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे, कितनी ऐसी चीज़ें थी जो अफगानिस्तान के वो लोग जो कि एनडीएस से वाबस्ता थे या अफगानिस्तान की जो पिछली अशरफ गनी की हुकूमत से वाबस्ता थे उनका किस तरह से अनेक्चर था, फिर वो फोर्सेस जो फैसिलिटेट होती रही हैं इस अरसे के दौरान, चाहे वो बलोच सेपरेटिस्ट हों चाहे वो कुछ और हों, उनको किस तरीके से सपोर्ट मिलती रही है। तो ये प्रोपेगेंडा और ये चीज़ें तो होंगी, जब हम कहते हैं कि 300 बिलियन की इंडियंस की जो वहाँ पे पूरी इन्वेस्टमेंट थी वो उनको जब डूबती भी नज़र आ रही होगी, जब यूएस ने कोई फेस सेविंग अपने लोगों के दरमियान करनी होगी, किसी और ने कुछ करना होगा, तो मलबा तो कहीं ना कहीं गिराना है, और वो अल्टीमेटली मलबा जो है वो आके हमारे ऊपर ही गिरता है, माजी में भी गिरता रहा है और अभी भी गिरता है। लेकिन अब ये है कि जो हमारा जो अमली अमल है या जो हमने जो प्रैक्टिकली साबित करना है जो चीज़ों को, अगर हम वहाँ चीज़ें ठीक रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो रखनी पड़ेंगी क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो दुनिया को मौका नहीं मिलेगा। तो जब मौका नहीं मिलेगा तो फिर इल्ज़ाम जब आप तराशी करेंगे, जिस तरीके से इंडिया ने जब इल्ज़ाम तराशी की अफगानिस्तान के, तो इंडिया के अंदर से मीडिया के लोग, उनके इंटेलेक्चुअल्स, उनके जो फौज के जो साबिक अफसरान थे, वो बोले हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी। उन्होंने एडमिट किया कि जी रॉ की स्ट्रेटजी नाकाम हुई है, आईएसआई की स्ट्रेटजी कामयाब हुई है कि उसने अपने दरवाजे खुले रखे, उसने कांटेक्ट रखा, उसने फैसिलिटेशन प्रोवाइड की, जो कंसल्टेशन थी वो प्रोवाइड की, जो पीस के लिए जो किरदार अदा कर सकते थे या अफगान सिचुएशन को ठीक करने के लिए जो कर सकते थे वो किए, आईएसआई रेलिवेंट रही, रॉ इररेलिवेंट होगी। तो गुस्सा है, पैसे हैं, इकोनॉमी बड़ी है, रिलेशन है, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ झोंके जाएंगे, वो चाहे वो हाइब्रिड वॉर की सूरत में हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रेशर्स की सूरत में हो, आईएमएफ की सूरत में हो, एफएटीएफ की सूरत में हो, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो है पाकिस्तान को पीछे धकेलने की सूरत में हो। तो क्योंकि हम उतने मजबूत नहीं हैं अपनी इकोनॉमी के हिसाब से, पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो हमारी उतनी मजबूत नहीं है जितनी ये बड़ी जो फोर्सेस की हैं, तो उसमें लगता है कि शायद हम धकेले जा रहे हैं। लेकिन जो जब वक्त पड़ता है तो जरूरत भी हमारी पड़ती है, जब लोग फंसे हुए होते हैं तो उनको मुश्किल से भी हम ही निकालते हैं और फिर साबित करते हैं कि हम कितने रेलेवेंट हैं और हमारे बगैर गुजारा नहीं है। तो मजबूरी है, हम वो चाहे हमें जो मर्जी कह लें कुछ कर लें, जरूरत हम ही ने पड़नी है, मुश्किल से हम ही ने निकालना है उनको, और सैंक्शंस भी हमारे ऊपर डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैं समझती हूँ, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, दुनिया भर में जहाँ ये प्रोग्राम देखा जाएगा वहां अफगानियों के लिए एक सफाई पेश कर दें, मतलब मैं चाह रही हूँ कि आप सफाई पेश कर दें। जो बाइडन साहब का हालिया जो बयान है जो उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने तो ये कहा कि हम 20 साल की जंग खत्म करके हम निकल आए हैं, मतलब एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान साहब पाकिस्तान की हुकूमत, दूसरी तरफ वो खुद ये कह रहे हैं, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ये किसको धमकी थी या इशारा था? और फिर जब वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं, तालिबान के साथ उनके मुज़ाकरात हुए, तो फिर ये अफगान कम्युनिटी के लोग इन मुमालिक में ये शोर, ये प्रोटेस्ट क्यों मचा रहे हैं? ये कुछ कंफ्यूजन नहीं है? लेकिन कंफ्यूजन तो ओवरऑल है। जो बाइडन साहब ने खुद कहा कि जो रशियंस हैं और जो चाइनीज हैं वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे डॉलर फूंकते रहे, हम यहाँ पे रकम खर्च करते रहे। एक ज़माना था जब आपको याद होगा तो वो कह रहे थे कि जी हम अफगानिस्तान को बिल्ड करेंगे, हम अफगानिस्तान को जो है वो एक महज़ब और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। अब एक ज़माना है जब जो बाइडन साहब कहते हैं कि जी हमने अपनी जंग जीतनी थी, हमने टारगेट हासिल कर लिए, लेकिन जो है उनकी नेशन बिल्डिंग हमारा काम नहीं था, ना हमारा मकसद है। तो वो उनके जो मकासद हैं वो वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहे, लेकिन अगर इस एरिया के अंदर से या इस रीजन में से इंटरेस्ट उनका ख़त्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। कुछ लोगों को ये सूट करता है कि अफगानिस्तान में अमन हो, कुछ को सूट नहीं करता कि अफगानिस्तान में अमन हो। जैसे भारत है, भारत को सूट नहीं करता कि अफगानिस्तान में अमन हो। अफगानिस्तान में अमन होगा तो उसका ख्याल ये है
के पाकिस्तान की सारी तवज्जो जो है वो फिर उसी की तरफ होगी, वो पाकिस्तान की तवज्जो डाइवर्ट करना चाहते हैं, वो चाइना की तवज्जो डाइवर्ट करना चाहते हैं। इसी तरीके से अब वहाँ अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं और बहुत सारे जो एथनिक जो डिविजन्स हैं वो भी एक्सप्लॉइट होंगी। तालिबान का झुकाव अगर एक तरफ होगा, चाहे वो चाइना या रशिया के ब्लॉक की तरफ हो या उसका झुकाव दूसरी तरफ होगा, तो जो भी जिसकी तरफ झुकाव नहीं होगा उसकी अल्टीमेट मदद जो है वो दूसरे फैक्टर को होगी जो एंटी तालिबान फैक्टर होगा। तो ये मुझे लगता नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई बहुत सूरत हाल ऐसी होगी कि स्टेबल हो जाएगी, अफगानिस्तान के अंदर पीस हो जाएगा। हमारी ख्वाहिश ज़रूर है, चाहते ज़रूर हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में पीस होगा तो उसके अच्छे असरात हम पे पड़ेंगे, अगर वहाँ पीस नहीं होगा तो उसके मनफी असरात हम पर पड़ेंगे। लेकिन ये फोर्सेस जिनको अफगानिस्तान का अदम इस्तेकाम सूट करता है वो वहाँ पे अपना पांव रखेंगे। जो ताकत के इस्तेमाल की बात की है वो ताकत का इस्तेमाल वो करेंगे, वो जो वहाँ के ह्यूमन राइट्स इशूज़ हैं उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। थोड़ा वक्त गुजर जाने दीजिए, अभी से ख्वातीन के हकूक की बात हो रही है, अभी से और चीज़ें हो रही हैं, वो तालिबान के जो जो गवर्नमेंट है उसके फंड्स रोकने के जो मामलात हैं उसकी वजह से उनको माशी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। जब वो माशी क्राइसिस आएंगे तो डिस्टेबिलिटी होगी, फिर आईएसएस का जो एक वजूद है उसको कहीं ना कहीं से जो सपोर्ट हो रही है या की जाएगी, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक पेचीदा सूरत हाल बनेगी। अब इसी पेचीदा सूरत हाल को उठा के वो लोग जो जो ये एक तरफ तो ये चाहते हैं कि ये सूरत हाल पेचीदा और अदम इस्तेकाम की रहे, वो उस कोशिशों में रहेंगे और दूसरी तरफ इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि अगर वो एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो उनको डॉलर किसने देने हैं, अगर वो एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो उनको फिर पॉलिटिकल असाइलम्स मुख्तलिफ ममालिक में कैसे मिलने हैं, अगर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो उनको जो है वो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एनजीओज हैं उनसे फंडिंग कैसे मिलेंगी। तो ये सब जो मफादात का खेल है वो चलेगा, वो नजर आएगा आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, और वो प्रोपेगेंडा भी जारी रहेगा, वो साजिशें भी जारी रहेंगी, कॉन्स्पिरेसी भी जारी रहेगी। हमने सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से इस दलदल से अपने आप को बचाना है और इससे जो उठने वाली जो कीचड़ के जो छींटे हैं उससे अपने दामन को कितने हद तक बचाना है, हमारा काम सिर्फ उतना ही होना चाहिए। 20 साल की जंग के असरात जाते जाते वक्त लगेगा, मैं इस बात से एग्री करती हूँ आपके। हमारे एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं यहाँ पे हयात न्याजी साहब, ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं, उनका कहना यह है कि उन्होंने मेरे एक प्रोग्राम में ये कहा कि अमेरिका गया नहीं है, वो वापस आने के लिए गया है, वो वापस दोबारा आएगा अफगानिस्तान में। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? और दूसरी चीज मैं आपसे इसी के साथ कनेक्टेड ये भी पूछूंगी कि जैसे बाइडन साहब ने कहा था कि हम फौज तैयार कर सकते थे, उनको ट्रेनिंग दे सकते थे, जज्बा नहीं दे सकते थे, तो क्या वाकई इनकी फौज के पास जज्बा नहीं था या ये कुछ और ही था सारा सिनेरियो? जी अच्छा, पहली बात तो ये कि अमेरिका के वापस आने, जिस तरीके से अमेरिका पहले आया था, जिस तरह चला गया, अगर आप ये रूल आउट कर दें कि जी वो अब दोबारा नहीं आएगा तो ये कुछ नहीं कह सकते। कोई एक इंसिडेंट, कोई वाकया, कोई आलमी सियासत पर होने वाली तब्दीली जो है वो अमेरिका को किसी न किसी सूरत में दोबारा ला सकती है। वैसे भी अमेरिकन जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो चले गए, उनके यूनिफॉर्म पर्सन ज़रूर चले गए हैं लेकिन वो डिफरेंट शेप्स के अंदर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है और बहुत ये बात हो रही है कि सेकंड कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, और अगर ये वाकई इस मामले के अंदर जो शिद्दत है उसमें इजाफा होता है तो कोई बईद नहीं है कि यहाँ पर वो अपने फुटप्रिंट को मजीद बढ़ाएंगे किसी न किसी सूरत के अंदर, चाहे वो किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट हो, चाहे वो कोई और सूरत हो, और कोई बईद नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि अगर मुस्तकबिल के अंदर आज से 2 साल 5 साल 10 साल के बाद कोई ऐसे हालात हों तो कोई और रीज़न बन जाए उनके यहाँ आने की। लेकिन सूरत हाल अब वो नहीं होगी जो 2001 में थी, सूरत हाल मुख्तलिफ होगी और इतना आसान नहीं होगा यूएस का वापस आना, लेकिन इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। अब जो दूसरी बात आपने फोर्सेस की, देखिए 3 लाख के करीब जो है वो कहते थे कि अफगान फोर्सेस हैं। अब वो 3 लाख फोर्सेस का मामला ये था कि जब वो उसको सॉर्ट आउट किया गया तो कहीं वो 1,85,000 की फिगर सामने आई, कहीं 1,25,000 की फिगर सामने आई, क्योंकि वो जो पुलिस की फोर्स थी उसको भी वो फौज के अंदर गिनते थे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ मोटिवेशन नहीं थी, 25% फोर्सेस उनकी हर साल छोड़ के चली जाती थी, फिर वो आपने एक से एक जदीद जो है वो इक्विपमेंट दे दिया, उसकी ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं थी। जब आपने आपकी 25% फोर्स जो है वो हर साल रिप्लेस हो जाए, नए बंदे ने आना है, दोबारा उसने ट्रेनिंग लेनी है, तो वो एक मामला था। फिर
आपके इल्म में ये बात भी होगी कि गुज़िश्ता कई महीने से उनकी तनख्वाहों के भी मसले बने हुए थे, वो पैसे उनको नहीं मिल रहे थे क्योंकि वो जो अमेरिकन पैसे देते थे वो पैसे बंद हो गए थे, मोटिवेशन नहीं था, वॉर लॉर्ड्स के जो जत्थे के जत्थे थे वो शामिल हो गए थे इस फोर्स के अंदर, जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग एक एक ऐसी थी कि सतही तौर पर, और वो पूरी फोर्स उस तरीके से तैयार नहीं थी, कोई मिशन नस्बुलैन नहीं था, कोई यूनिफाइड जिसको कहें कि कमांड नहीं थी, फिर उसके बाद जो हालात थे वो इस तरीके से नजर आ रहे थे कि ये उनको लग रहा था कि वो किसके लिए लड़ें और क्यों लड़ें। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो जमा हो गए और इन सारे फैक्टर ने उनको एक रेत की दीवार साबित कर दिया। और फिर इसी तरीके से जो तालिबान थे उनकी इस फोर्सेस के अंदर रूट्स भी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जो तालिबान के साथ कनेक्शन में थे लेकिन वो इस अफगान फोर्सेस के अंदर इंडक्ट हो गए थे, वो तनख्वाहें यहाँ से लेते थे, सब कुछ करते थे, मगर वो प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन से लेके दीगर काम तालिबान के लिए कर रहे थे। तो ये सारे फैक्टर्स जब जमा हुए तो अफगान फोर्स जिसको एक हब्बा बनाया गया था, जिसके ऊपर जो है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च किए गए थे, वो पता चल गया कि उसकी हकीकत क्या है। अच्छा, जो हमारे पड़ोसी हैं कुछ वो ये भी शोर मचा रहे हैं कि इतना बड़ा असला हाथ लगा है तालिबान के, वो कहीं तो इस्तेमाल होगा, तो ये पाकिस्तानी ज्यादा खुशफहमी में ना रहे, उनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। जिससे वो कनेक्ट कर रहे हैं वो है अब्दुल अजीज साहब का लाल मस्जिद जैसा वाला वाकया दोहराने का वो अमल, जो आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ, तो कहीं किसी हद तक सही तो नहीं कह रहे वो लोग, कहीं ऐसा खतरा तो नहीं पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा? अगेन जी देखें, अब ये ना कोई जो पिछला लाल मस्जिद का वाक़ है उसमें भी अब कोई 15 साल का अरसा गुजर गया है, 14-15 साल गुजर चुके हैं, उसके वो जो वाक़ा हुआ वो भी आपके सामने है, उसके बाद के असरात भी आपके सामने हैं। देखें, एक तो ये है कि जो TTP है वो मेजॉरिटी यहाँ से डिस्पर्स हो चुकी है, उसके बाद बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं, जो हाइड आउट्स थे उनके यहाँ पे हमारे जितने ट्राइबल एरियाज के अंदर वो ऑलमोस्ट ख़त्म हुए हैं, तभी वो यहाँ से भाग के अफगानिस्तान के अंदर गए हैं। अब वो TTP को माफ़ी देने की बात हो रही है, मुख्तलिफ ऑप्शंस पे बात हो रही है, उसके अंदर भी हमने कुछ पाकिस्तान की जानिब से जो इत्तलात हैं वो ये है कि 321 अफराद की जो फहरिस्त है वो मुरतब की गई है कि ये अनएक्सेप्टेबल लोग हैं, इन्हें किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी के साथ रिश्तेदारी की वजह से, हमदर्दी की वजह से, कोई छोटे मोटे क्राइम की वजह से वो चले गए और जाने के बाद वो अफगानिस्तान में सेटल हो गए, उनको पाकिस्तान लाने के लिए बात हो रही है। कुछ जगह इस तरीके से जो हमारे एक्स ट्राइबल एरिया है उसके अंदर पॉइंट आउट की जा रही है कि इनको लाया जाए, इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। अब देखें, सोसाइटी वो नहीं है जो जिसका जिक्र आपने लाल मस्जिद वाले टाइम पे किया। एक ज़माना था, आपको याद होगा शफक साहबा, कि पाकिस्तान की जो एक सोसाइटी के अंदर तालिबान के हवाले से एक सिंपथी पाई जाती थी। APS के वाक़े के बाद वो सारी सिंपथी ख़त्म हो गई। एक ज़माने में लोगों ने तालिबान कहते थे, फिर लोगों ने दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया। अब दहशतगर्दों की पाकिस्तान की सोसाइटी में कोई गुंजाइश नहीं है। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब के एक मस्जिद के या एक मदरसे को उठा के आप उसको पूरे पाकिस्तान के ऊपर अगर एप्लीकेबल करेंगे तो वो मुनासिब बात नहीं है। इसी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो है वो सैकड़ों मसाजिद और मदारिस मौजूद हैं, लोग पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहीं से कोई इवेंट नहीं आता। अब इसको जो है वो गवर्नमेंट चाहती है कि पॉलिटिकल तरीके से टैकल कर ले। क्यों? कि अगर फोर्स का कोई इशू खड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि जी स्टेट की रिट कहाँ है, जब स्टेट एक्शन लेती है तो कहते हैं कि ये देखें आपने क्या कर दिया। तो इस बार गवर्नमेंट की कोशिश, ये मैसेज हो गया है, मौलाना अजीज साहब के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज हुई है, मेरी शेख रशीद साहब से खुद बात हुई है, शेख रशीद साहब ने कहा है कि हमने उन्हें कहा है कि आप बाज आ जाएं और ये चीज़ें और ये जो आपने तालिबान के जो झंडे लगाए हैं आप इसको उतार दें, अगर नहीं उतारेंगे तो कार्रवाई करेंगे। मेरा ख्याल ये है हुकूमत उनको मोहलत दे रही है और रियासत जो है थोड़ा सा इंतजार जरूर कर रही है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जिसको उठा के आप पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम पे या पूरी रियासत के ऊपर अप्लाई कर दें। मौलाना अजीज साहब ने अगर दानिशमंदी से काम नहीं लिया तो मैं समझता हूँ कि जो रियासती मशीनरी है वो उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी और कोई उसके नतीजे में मुझे कोई ऐसा रद्द अमल, कोई रिएक्शन, कोई और चीज़ें या कोई ऐसी कनेक्टिविटी होना या उसके नतीजे में यहाँ पे असला आ जाना और चीज़ें हो जाना, ये मुझे बिल्कुल इसके 1% भी चांस नज़र नहीं आते। हाइड आउट्स नहीं है, जो इनका नेटवर्क है वो बुरी तरीके से तोड़ दिए गए हैं। इक्का दुक्का वाकया दहशतगर्दी की चीज़ें हो सकती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए,
जो मिलिटेंट ग्रुप्स वहां पे डिस्पर्स होंगे वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करेंगे, लेकिन गुज़िश्ता 15 साल 18 साल के अंदर हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है, हमारे जो लोग हैं उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। ना लोगों की सपोर्ट हासिल होगी मिलिटेंट्स को, शिद्दत पसंदों को, दहशत गर्दों को, सो कॉल्ड जो अपने आप को तालिबान पाकिस्तान कहें या कुछ कहें, ना हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से किसी किस्म की रियायत होगी। लिहाजा इस हवाले से किसी किस्म की कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, तैयार और चौकन्ना जरूर रहना चाहिए। वाकयात करने की कोशिश करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन वो जो माजी में होता रहा है मैं दोबारा उसको होते हुए नहीं देख रहा मुस्तकबिल। जबरदस्त, मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी बड़ा इत्मीनान आया होगा और दोस्तों को भी जरा चैन और करार आया होगा। लेकिन ये मुज़ाकरात करने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग आदी हो जाते हैं कि लाइम लाइट में आ जाएं और फिर ब्लैकमेलिंग भी उतर आए, तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर वही ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा इस तरह के लोगों की तरफ से। इस्लामाबाद में देखें एक शख्स आ गया था, वो सिकंदर आपको याद होगा, क्लाशनकोफ पकड़ के खड़ा था, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, सारे टीवी चैनल्स में लगा रखे थे। देखें मुज़ाकरात तो उससे भी होते हैं, जो एक आदमी अपने जो है ना किसी की गर्लफ्रेंड से शादी नहीं होती तो वो किसी टावर पे चढ़ जाए, बिजली के पोल पे चढ़ जाता है, या जो है वो किसी मोबाइल फोन के टावर पे चढ़ जाता है तो नीचे भी सारे मोहल्ले वाले और सारी एडमिनिस्ट्रेशन खड़ी होती है कि खुदा का वास्ता नीचे उतर के आ जाए। तो मुज़ाकरात करने पड़ते हैं इंसानी जान बचाने के लिए, इर्द गिर्द की चीजों को ठीक करने के लिए, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उस मुज़ाकरात के नतीजे में कि आपकी कोई कमजोरी है। आप चाहते हैं कि चीजों को सेटल करें, तो हमारे लोग या रियासत या चीजें चाहती हैं कि सेटल हों, उनको समझाएं कि यार आप आपकी ये लाइन है, वो लाइन क्रॉस होगी तो फिर मैं नहीं समझता कि उसके आगे जो है फिर बर्दाश्त जो है वो मजीद की जा सके, और फिर इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई फिर जो है वो हवा ना बनाए कि भाई ये क्यों किया। अच्छा आपने एक और बात की, सिफारती ताल्लुकात जो है वो बहुत अच्छे बनाने चाहिए। सर यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि कोताही नहीं हो गई गवर्नमेंट की तरफ से सिफारती ताल्लुकात। अब जहां मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई हूँ, यहाँ पर तो मुझे लगता है कि जो यहाँ की हुकूमत है वो एंटी पाकिस्तान सोच रख रही है, अफगानियों के साथ बड़ी हमदर्दी रख रही है, इंडिया के साथ बड़ी दोस्ती रख रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई सफारती ताल्लुकात ऑस्ट्रेलिया के साथ बनाए गए। फिर जैसा कि न्यूजीलैंड की टीम आकर वापस चली गई, इंग्लैंड की टीम का दौरा मनसूख हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अभी जो फ्यूचर में दौरे थे वो भी, यानी इस तरह तो ये सिलसिला चल निकला। तो जहां लोग बात ये कर रहे हैं टीम थी फिर यहां से गई, जो भी हुआ, क्या अंदेशा नहीं था पहले से? क्या स्मार्ट लोग नहीं बैठे हुए आपकी कुमतों में जो पहले से ही सोच लेते कि भाई ये होने वाला है तो ऐसा हो सकता है? ऐसा लग रहा था कि किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी और अचानक से ये हुआ तो सब इसको जो है एक जुआ बना रहे, ये क्या हो गया भाई? आपने सोचा हुआ क्यों नहीं था? एक बात और के जो चंद लोगों की तरफ से यहाँ पर जो मीडिया के लोग थे वो ये बातें कर रहे हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क की इतनी छोटी सी बात पर कि ईमेल आई नहीं बुलाती, उसके पास कोई ठोस सबूत थे तो वो सबूत क्यों नहीं लिए गए? अच्छा वो नहीं देने को तैयार वो बात, लेकिन यहाँ तक कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी वीडियोस दिखाई गई हैं अंदर रूम्स की या क्रिकेट टीम के सारे न्यूजीलैंड के लोगों की, कि जिससे उन्होंने कहा कि वाकई जो यहाँ तक पहुंच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी दहशतगर्द ही होने वाली है पाकिस्तान में? जी जनाब। देखें अब ये दो बातें, एक तो ये कि हम ये कहें कि इस पूरे अमल में हमारी कोई कमज़ोरी नहीं है, दुश्मन की साजिश है, वो कामयाब हो गया, भाई तो अगर उसका तो काम है साजिश करना, दुश्मन का काम है हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, अब आगे हमारा काम ये है कि हमने अपनी इतनी कॉम्पिटेंस को बिल्ड करना है कि हम उस साजिश को नाकाम बनाएं। ये बातें की हैं शेख रशीद साहब ने भी कि दास्तानें पहने हुए थे, अगर दास्तानें पहने हुए थे तो वो दास्तानें आपको नज़र क्यों नहीं आए? दुरुस्त आपने फरमाया कि न्यूजीलैंड की टीम के यहाँ आने से पहले और उसके बाद भी, फिर जिस तरीके से अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो कहा गया कि जी ये इंडिया से ईमेल्स की गई, ट्विटर अकाउंट से ये कहा गया, एहसानुल्लाह एहसान की तरफ से धमकी दी गई, देखिए उन्होंने तो ये काम करना है, वो इसी काम पे हैं, उन्होंने हमें नुकसान पहुँचाना है, हमें ये मानना चाहिए कि हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो अगर हम उन साजिशों को नाकाम नहीं बना सके तो ये हमारा फेलियर है, इसको एडमिट करना चाहिए और गलतियों से सीखना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर के अपने एंड पे आप अगर सोचें न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, और उसको अगर कोई उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को थ्रेट कॉल बताती है, थ्रेट अलर्ट के बारे में आगाह करती है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने लोगों की हिफाजत करे, उसने ये नहीं देखना कि मेरी टीम के वापस आ जाने से
या जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के दौरा कैंसिल कर देने से पाकिस्तान की क्रिकेट पे क्या असर पड़ेगा? उनके लिए तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है, उनके लिए न्यूजीलैंड फर्स्ट है, उनके लिए इंग्लैंड फर्स्ट है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे लिए भी पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए। आप पीछे चले जाते हैं जब कोई और, अब आज आप एडमिट कर रहे हैं कि कोई और मुश्किल में होता है तो हम आउट ऑफ वे सपोर्ट करते हैं, तो भाई आप आउट ऑफ वे सपोर्ट करते हैं तो उसका मतलब ये कि फिर वो आप सपोर्ट लेने की कैपेसिटी नहीं है आपकी, कोई आप को मुसीबत में पड़ता है तो आप अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन फिर इतनी आपकी कैपेसिटी नहीं होती कि आप चीजें जो है वो अपने लिए हासिल कर सके। तो ये जो कमजोरियां हैं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अब जो दूसरी बात आपने कही कि जी सिफारती महाज के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कह लेने दीजिए कि हमारे जो सिफारती मिशन हैं उनकी दो बड़ी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन्होंने जो उस मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनको फैसिलिटेट करना है, उनकी कोई गर्मी सर्दी हो तो उनके उनके ऊपर एक साहिबान के तौर पर मौजूद होना है। दूसरा उनका काम यह है कि पाकिस्तान के और दूसरे मुल्क के जो ताल्लुकात हैं उसके लिए अपना एक पॉजिटिव रोल अदा करना है, ताकि जब आपका अपना टाइम पीरियड खत्म हो तो आप वहां से जाएं कि जी मैं इतना स्टेप आगे बढ़ गया हूं। दोनों काम नहीं होते हमारे यहां, दो तीन वजूहात। एक ये कि जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो मेरिट के बजाय उसकी वजह रिश्तेदारी, उसकी वजह पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, उसकी वजह ताल्लुकात, उसकी वजह कुछ और होती है जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो जगह है वहां पे ऐसे लोग अपॉइंट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो ना पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होते हैं, ना उनके मसाइल ठीक करते हैं, वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर लोग रुलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शायद ऐसा ना होता हो, लेकिन मैं बहुत सारे ममालिक में जानता हूँ लोग अब शिनाख्ती कार्ड से लेके पासपोर्ट तक के लिए धक्के खाते थे। कोई और वहां पे उनको प्रॉब्लम हो जाए, कोई लीगल सपोर्ट का मसला हो जाए, कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। आपका काम उनको फैसिलिटेट करना है, आप उनको तकलीफ पहुंचाने का बाइस बनते हैं। फिर क्या होता है कि जो लोग हमारे जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उस मुल्क के अंदर अपने या अपने बच्चों को सेटल करने की कोशिश करें। आप गुज़िश्ता 70 सालों के दौरान एक रिकॉर्ड निकलवाइए, या कम अज कम फॉरन ऑफिस को कहें कि इसकी कोई डिटेल दें कि किन किन ममालिक के अंदर लोग गए हैं और उसके बाद वहां या तो रिटायर हो गए, या उनके बच्चों ने कारोबार सेट कर लिए, या उन्होंने वापस आने से इनकार कर दिया, या वो अपने मुल्क वापस आए तो उन्होंने फिर जाके उस मुल्क के अंदर अपने सेटअप। जहां फिर आपकी प्रायोरिटी ये हो कि आपने अपने आप को सेट करना है, अपने आप को फैसिलिटेट करना है, तो फिर मुल्क कहीं पीछे चला जाता है, फिर मुल्क की तरफ आप नहीं देखते, फिर आप ये देखते हैं कि कोई ऐसा काम हो जाए जिससे मैं ठीक हो जाऊं, तो आप खुद को ठीक कर लेते हैं, मुल्क को और उसके रिलेशन को तबाह कर देते हैं। तो यही होता है जिसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए ना, कोई कानून बनना चाहिए कि जो यहाँ आया है उसको वापस जाना है, ऐसा कुछ क्यों नहीं बनता है? बिल्कुल ये 100% होना चाहिए, और इसके हवाले से जो है ना कोई बार होना चाहिए कि उसके बाद उसका वीजा खत्म हो, उसके बाद इतने साल तक वो उस मुल्क में न जाए। कोई ना कोई चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी, नहीं करेंगे तो फिर यही होता रहेगा कि वो इंटरेस्ट बेस्ड काम होगा, वो आएगा, वो बिजनेस कम्युनिटी में अपने रिलेशन ठीक करेगा, वो अपने पाकिस्तान की जमा पूंजी करेगा, कुछ वहां और चीजें करेगा, वो उससे रिलेटेड अपना काम एक्टिविटी डालेगा ताकि उसका काम ठीक हो जाए। बाकी उसको ये कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के, पाकिस्तान इंग्लैंड के ताल्लुक ठीक हो। उसने कोशिश करना है कि मैं अपने बच्चे को सेट कर दूं, कुछ और चीजें कर दूं, उसी के ऊपर जो है ना वो अपनी सारी तवानाई खर्च करता है। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले जो इमरान खान साहब का एक एक्शन हुआ था, और उन्होंने किसी और मुल्क के सिफारत खाने के ऊपर कहा था कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो जो खुले खत और फोन कॉल्स आ रही थी, उसके बाद बड़ी हलचल मची थी पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया समेत। लेकिन यहाँ पे काफी इम्प्रूवमेंट हुई है, मैं अगर ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कहूँ तो यहाँ पे सिफारत का अमला जो है वो काफी मतलब इम्प्रूव भी हुआ है, और ताल्लुकात भी कम्युनिटी के साथ। एक वजह ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बहुत एक्टिव है। जब आप आपकी कम्युनिटी एक्टिव होती है तो वो फिर एम्बेसी को मजबूरन एक्टिव होना होता है, तो आप लोगों ने एक्टिव होकर एम्बेसी को और जो कॉन्सुलेट है उनको एक्टिव कर दिया। अगर आप सुस्त पड़ जाएंगे तो वो आपसे ज्यादा सुस्त होने वाले लोग हैं, तो जाएंगे तो अल्लाह करे कि अच्छा रहे, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट से तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, और यहाँ पे बड़ा वलवला था, बड़ा जोश था, ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बड़ा सपोर्ट किया है खान साहब को, तो अल्लाह करे कि उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरे। यहीं से मैं आपको कनेक्ट करना चाहती हूँ, पाकिस्तानी कम्युनिटी का वो राइट, वो हक जो कि नहीं दिया जा रहा, यानी जो सिर्फ यही नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, वोट का हक, उसके लिए अभी फिर से अभी मैं देख रही थी कुछ बयान हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी, लेकिन स्टिल यहाँ एक मुहिम चलाई गई ऑस्ट्रेलिया से ही सलमान साहब ने,
कभी मैं आपको उनसे कनेक्ट कराऊंगी। उनका कहना यही है कि ये जो शराइत बहुत ज्यादा सख्त रखी गई थी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए वोट का हक, वो उनको आसानी से नहीं मिल पा रहा और उससे बड़ा फर्क पड़ना है इलेक्शन के ऊपर, सर उसके लिए कुछ कोशिश करने में साथ दें हमारा। शफ़क, एक तो ये कि मैं आपको बताऊं कि अच्छी बात यह कि पार्लियामेंट की जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी है वो बन गई है, उसके मेंबर्स का अनाउंसमेंट होना है। ये मंगल वाले रोज़ जो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकरात हुए स्पीकर की सरबराई में, उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग भी थी, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बैठ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का मसला शायद इतना बड़ा मसला ना हो जितना इस वक्त जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हो गया, और उसकी वजह यह है कि हम लोग जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों में रिजिड हो जाते हैं और हर आदमी सोचता है कि इससे कहीं उसको फ़ायदा ना हो जाए। हुआ यह है कि अपोजिशन ये समझ रही है कि इमरान खान साहब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो समझते हैं कि जी उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है तो उससे शायद इमरान खान साहब को फ़ायदा पहुँचेगा, इस वजह से कुछ रिलक्टेंसी नज़र आती है। दूसरा जो आई वोटिंग है वो एक ऐसी चीज़ है कि चूंकि आरटीएस में आपने देखा कि बहुत इश्यूज़ आए, चूंकि पाकिस्तान के अंदर धांधली और इलेक्शन जो है दो लाजिम व मलजूम चीज़ें हैं, तो इस वजह से ये भी बहुत सारे कंसर्न हैं। यहाँ तक तो बात हो गई है कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनको असम्बलियों में उनकी नशस्तें मखसूस करने के ऊपर अपोजिशन की जानिब से बात आई है कि जी उनकी नशस्तें जिस तरीके से ख्वातीन की नशस्तें हैं, जिस तरीके से माइनॉरिटी की हैं, उस तरीके से परमानेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों की नशस्तें हो जाए। दो तीन इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर मामला है, एक आई वोटिंग जिसके ऊपर बहुत सारे उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल है, वो भी मसला हल हो सकता है कि जो पोलिंग स्टेशन हैं वो पाकिस्तान से बाहर जो कॉन्सुलेट है वो एम्बेसीज में बना दिए जाएं और वहाँ फिजिकल वोटिंग हो, तो मैं समझता हूँ कि शायद इस मामले के ऊपर कंसेंसस हो जाए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो उनका इलेक्शन लड़ने का राइट है उसमें जो गवर्नमेंट चाहती है वो ये है कि जी वो ड्यूअल नेशनैलिटी अपने पास रखें, यहाँ आएँ इलेक्शन कंटेस्ट करें, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर वो अपनी दूसरी नेशनैलिटी को छोड़ दें। जो बहुत सारे दूसरे लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, वो पहले नेशनैलिटी को छोड़ें, क्यों वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन हो रहे हैं, पाकिस्तान में वो रहना चाहते हैं, आए इलेक्शन कंटेस्ट करें, ये नहीं हो कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू कि अगर इलेक्शन जीत गए तो फिर पाकिस्तान में रहें, अगर इलेक्शन हार गए तो वापस अपने मुल्क के अंदर चले जाएं। तो दूसरा मामला जो है वो ये है। तीसरी चीजें जो वो ये है कि जी वो उनके वोट भी हों और असम्बली के अंदर उनकी मखसूस नशिस्तें भी हों, ताकि अगर वो आके इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत ना सकें तो कम से कम मखसूस नशिस्तों के ऊपर वो एज ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे रहे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपनी नेशनैलिटी सरेंडर की, अमेरिका की, कैनेडा की, इंग्लैंड की, आए हैं पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा है, इस वक्त असम्बलियों में बैठे हुए हैं। मजाल है जो एक लफ्ज ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कह ले, मजाल है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने कोई रोल अदा किया हो, वो आए हैं आके इसी रंग में रंग गए हैं। तो मैं तो दुआ गो हूँ अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी, अल्लाह करे कि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, आए और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कुछ पॉजिटिव रोल प्ले करे, अगर आके उन्होंने भी इसी रंग में रंग जाना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिर वो जो दूसरी वाली है शब्द वही सही रहे कि वो यहाँ जब उनको रहेगा कि वापस जाना है तो वो कहेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए काम करें, वरना तो जाके जूते पड़ने हैं वापस। बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपसे सुनने को मिली है और बड़ा पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही है आपसे। जल्दी से मैं एक आध चीज और आपसे पूछ लूँ, फिर मैं आपको आपकी जहमत तमाम करूंगी और फिर कभी आने का वादा आपसे लूंगी। सर, ये जब अपोजिशन की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं तो हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना उनको बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बिलावल साहब का कहना यह है कि जमहूरियत पाकिस्तान में खतरे में, तो किस आखा को खुश करने में लगे हुए सर वो, मतलब समझ में नहीं आ रहा होता पोजीशन की तरफ से, या मरियम नवाज साहब, ये क्या हो रहा है, क्यों मतलब हुकूमत गिराने के लिए वो पाकिस्तान को गिरा रहे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही होती बात। अनफॉर्चुनेटली देखें, दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारा ना जो दुनिया भर में इम्प्रेशन ठीक नहीं जाता है। नंबर एक, हमारा मीडिया, हमारे मीडिया के ज़रिए से जो है वो, मैं पिछले दिनों एक डेलीगेशन से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि वी आर वॉचिंग पाकिस्तान थ्रू दीज स्क्रीन्स, वो हमारे कमरे में कुछ टेलीविजन लगे हुए थे उनका ये है, और वहाँ पर सारा दिन जो है वो लड़ाई, एक दूसरे के साथ सियासी झगड़े, करप्ट है, चोर हैं, बदमाश हैं, ये है, ये चीज़ें होती रहती हैं, फिर जो सोसाइटी का जो एक
बुरा चेहरा है वो आता रहता है, तो इसमें तो हम कसूरवार हैं। हम अच्छी खबरें अपने लोगों को जो देनी चाहिए उस तरीके से नहीं देते। एक लोगों का भी मिजाज बन गया और कुछ हमने बना दिया है कि उनको लगता यह है कि खबर वही है जो कि बुरी है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब ये है कि अनफॉर्चुनेटली जब इमरान खान साहब आए थे तो शायद उम्मीद ये थी कि कोई एक नेशनल कोर एजेंडा ऐसा हो जिसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन जमाते एक साथ बैठे। कुछ इमरान खान साहब के अंदर रिजिडिटी थी कि वो अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो समझते थे कि मैं अगर अपोजिशन के साथ बैठूंगा तो मेरी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना वो हिट होगी। लोग कहेंगे जी जिनको आप चोर कहते थे, डाकू कहते थे, उनके साथ बैठ गए और ये तो फिर वैसे के वैसे हो गए। तो इस वजह से उन्होंने अवॉइड किया। नतीजा क्या हुआ कि जो कोर नेशनल एजेंडा एक हमें बनाना चाहिए था फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इकोनॉमी पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे, और इसी तरीके से चाहे वो आपका एजुकेशन हो या कोई और हो, जो 5-6 आइटम ऐसे होने चाहिए थे जिसके ऊपर अपोजिशन और गवर्नमेंट का एक एजेंडा होता कि हुकूमत किसी की भी आए इस एजेंडे के ऊपर एक हम नेशनल पॉलिसी के तहत बढ़ेंगे, वो नहीं हो सका और वो मुझे होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। जब तक ये नहीं होगा, देखें आप क्रिटिसाइज करते रहे, अपोजिशन सारी दुनिया में हुकूमतों पर क्रिटिसाइज करती है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि अपनी पॉलिटिक्स, चाहे वो इमरान खान साहब हों जब वो अपोजिशन में थे, चाहे आज की अपोजिशन हो, वो इस हद तक मुखालफत में आगे बढ़ जाते हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट को जो है ना वो एक तरफ रख देते हैं और कहते हैं बस किसी तरीके से मैंने अपने मुखालिफ को गिराना है, और इसको मुखालिफ को गिराने के चक्कर में चाहे पाकिस्तान का वकार मजरू हो जाए, चाहे पाकिस्तान की चीजें जो है वो खराब हो जाए, उसको परवाह नहीं होती। तो मेरी सजेशन यही है कि नेशनल कोर एजेंडा बनाना चाहिए, उसके ऊपर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के एक रोड मैप बनना चाहिए, हुकूमत किसी की भी हो वो आगे चले, अगर आगे नहीं चलेंगे तो फिर मुल्क आगे नहीं चलेगा। अच्छा, एक और शिकायत है जो कि मैं चलते चलते कर दूं आपसे, ओवरसीज पाकिस्तानियों का अब ये कहना है, जिन्होंने पीटीआई को भी बहुत सपोर्ट किया था या पीटीआई चैप्टर जो बना था वो भी, उधर भी थोड़ा सा अब ये आवाजें उठने लगी कि हम लोग सिर्फ चंदा देने के लिए नहीं है कि जब जरूरत पड़ी तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का आवाज देकर बड़ा अच्छा अच्छा बोला कि ये हमेशा हर उसमें खड़े होते हैं और हम होते हैं, हम यहाँ बहुत मुहिम चलाते हैं, चंदे जमा करके भेजते हैं, लेकिन सिर्फ चंदा जमा करने के लिए ना हमें वोट का राइट दिया जा रहा है, ना उसे ईजी किया जा रहा है, ना ये कि मैं ये नहीं कह रही कि आप कहें कि भाई ओवरसीज पाकिस्तानी उठकर आए और वो एलीट क्लास की शक्ल में आए और जनाब आपके ऊपर रूल करें, लेकिन कोई तो एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हुए जो पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके जो तजुर्बे हैं उससे फायदा उठाया जाए, कुछ कुछ मुद्दत के लिए बुलाया जाए ओवरसीज पाकिस्तानियों को, वो यहाँ के तरक्की याफ्ता ममालिक के जो उसूल हैं, जो कवायद हैं, जवाबित हैं, वो कर वहां पर लो टीच करें, गाइड करें, कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं बन सकती तारिक साहब। नंबर एक बात यह है कि हम पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। अच्छे लोग जो हैं ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कि जो जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो वो पाकिस्तान आए कि जी यहाँ आके कोई अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें किसी तरीके से। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम ने उनको रोल प्ले करने नहीं दिया, फ्रस्ट्रेट हो गए यहाँ पे आके, उनको उनके साथ ज्यादती हुई है, लोग अपना कारोबार छोड़ के चीज़ें देखें, वोट डालने के लिए भी लोग आए हैं, हजारों मील दूर से आए कि यार हम अपना वोट डालेंगे ताकि मुल्क के अंदर तब्दीली आए। अनफॉर्चुनेटली ना उनको इज्जत दी गई, ना उनकी जो सलाहियतें हैं उनको इस्तेमाल किया गया। बेनिफिशरी जो है ना वो माजी की तरह चंद ही लोग हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी जो इलीट क्लास है, जो चुनिंदा क्लास है, जो के जो मिनिस्टर्स को और जो लीडरशिप को जो अब हुकूमत में है उनको एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप और उनको जो है वो खाने खिलाते थे, उनके लिए तकरीबात करते थे, वो आए हैं, उन्होंने आके अपने उल्लू सीधे कर लिए हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी एजुकेशनिस्ट जो बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स और जो इंजीनियर्स बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का जो तालीम याफ्ता तबका, पाकिस्तान की यूथ, आईटी एक्सपर्ट्स जो बाहर बैठे हुए हैं, उनकी सलाहियतों को जिस तरह से फ़ायदा उठाना चाहिए था, उनको अट्रैक्शन देनी चाहिए थी, उनको पाकिस्तान के अंदर मौके देने चाहिए थे। कौन है जो पाकिस्तान के, जिसके रूट्स पाकिस्तान के अंदर हों, जिसके माँ बाप, जिसके आबा अजदाद की कब्रें, जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ हो, वो अगर बाहर बैठा है तो किसी ना किसी रीजन की वजह से बैठा हुआ है। अगर वो अपॉर्चुनिटी आपने पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड कर दी होती तो उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, और आज भी यकीन जाने कि आप प्रोवाइड करें लोग खींचे चले आएंगे, लेकिन आप उनको जो है फैसिलिटेट करने के बजाय डिसहार्ट करते हैं, आप उनको इंडोर्स करते हैं कि तुम्हारा पाकिस्तान से जाना ठीक था,
आप उनको बार बार मोहर लगाते हैं कि भाई यहाँ तुम्हारा जो है ना कोई मुस्तकबिल नहीं है, तुम्हारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं अच्छा है, आप इतना डिसाइड कर देते हैं कि वो जो उनकी जो मतलब वो रो पड़ते हैं, जिसको कहें कि खून के आंसू रोने पड़ते हैं। जब तक आप वो ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं बनाएंगे जहां पे मेरिट पे काम होगा, जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी, जहां पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तान से बाहर जाने वाले लोगों को ये पता होगा कि हम आएंगे हमारे बच्चों का और हमारा मुस्तकबिल सेफ होगा, मेरिट पे होगा, जस्टिस होगी। वो बाहर बंदा बैठा होता है, इधर उसके घर पे कब्जा हो जाता है, उधर उसके प्लॉटों पे कब्जा हो जाता है, इधर उसके खा जाता है, सारा वही धक्के खाता रहता है सारी जिंदगी उसके। तो जब जब जस्टिस नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर नतीजा यही होगा कि फिर फ्रस्ट्रेशन है, फिर डीमोरलाइजेशन है। तो जब तक आप मोरल बूस्ट नहीं करेंगे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, तो यही होगा, बल्कि आपका ब्रेन ड्रेन होगा। जो मजीद लोग यहाँ पे हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहेंगे। जब यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो दुनिया में बाहर जाएंगे, बाहर जाते हैं और साबित करते हैं कि उनके अंदर कितना टैलेंट है, बाहर जाते हैं और बताते हैं कि भाई उनके अंदर कितना टैलेंट है। जिस टैलेंट की कदर यहाँ नहीं होती, दुनिया उस टैलेंट की कदर करती है। हमें सोचना चाहिए कि हम उस टैलेंट को क्यों और कब तक जाया करते रहेंगे। बहुत जोरदार बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर लेकिन आखिर में मैंने कश्मीर की बात नहीं की तो मेरे कश्मीरी दोस्त बड़े नाराज होंगे, तो जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि मुझे मुझे आजकल जो कश्मीर में बैठे हुए कुछ मेरे दोस्त हैं उनकी तरफ से भी, जो यहाँ कश्मीरी हैं वो तो आपको पता है कितने डरे सहमे होते हैं, उनकी तरफ से शिकायत आ रही है कि आप लोगों ने फिर से कश्मीर को इग्नोर करना शुरू कर दिया। उस तरह बात नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए थी, अफगानिस्तान के चक्कर में कश्मीर साइड में चला गया जनाब। दुरुस्त बात है। देखिए 5 अगस्त का जब वाकया हुआ था, हमने बड़े जोर शोर से मुहिम चलाई, 2 या 3 माह बहुत जोर शोर से थे। इमरान खान साहब भी आते थे, कभी कहते थे आधा घंटा हमने बाहर खड़ा होना है। एक यूनाइटेड नेशन की तकरीर थी, कश्मीर कॉज जो है ना पूरी दुनिया के सामने आया। अब देखें हमसे ज्यादा जो दुनिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो इस मामले को लेकर खड़ी हुई है। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर ये 2-3 मरतबा मामला डिस्कस हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली मुल्क के अंदर भी कंसेंसस नहीं हो सका। जिस वक्त कश्मीर की एक्टिविटी शुरू हुई, यहाँ अपोजिशन के बहुत सारे धरने एहतजाज मुजाहरे हो रही थी, चीजें पीछे चली गई। हम इसमें पड़ गए कि इमरान खान ने कश्मीर भेज दिया, हम इसमें पड़ गए कि इमरान खान मोदी का यार है या नवाज शरीफ मोदी का यार है। इस कोर इशू के ऊपर भी हमारी जो लाइन लेंथ है वो ठीक नहीं है। नतीजा ये है कि इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि 5 अगस्त को जब 1 साल गुजरा तो जी अब इसी तरीके से 2 साल गुजरेंगे, 5 साल गुजरेंगे, 10 साल गुजरेंगे, जहां हम और बहुत सारे दिन मनाते हैं वहां 5 अगस्त का दिन मनाएंगे। 5 अगस्त के बाद इंडिया की अपनी सोसाइटी के अंदर रेजिस्टेंस है, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो रेजिस्टेंस है। जितनी मदद हमें करनी चाहिए थी, जितने जोरों शोर से हमने इस मामले को उठाना चाहिए था इंटरनेशनल फोरम्स पे, ह्यूमन राइट्स की जिस कदर बदतरीन वायलेशन हुई है उस मामले को जिस तरीके से उठाना चाहिए था, पाकिस्तान ने उस तरीके से इस मामले को नहीं उठाया। हमारी वीकनेसेस रही हैं, इतनी कमजोरियां इंडिया की थी जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता था, हमने उस अपॉर्चुनिटी को उस तरह से मटीरियलाइज नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। तो अब भी वक्त है, वरना जो कश्मीर के आवाम है वो हमें माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो है तमाम तवज्जो, उनकी तमाम निगाहें जो है वो पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तानी आवाम की तरफ है। हम ही उनकी उम्मीद हैं, आसरा हैं, उन्हें यकीन है कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये जितनी कुर्बानियां हैं, ये कुर्बानियां देने वाले लोग कभी हमें माफ नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे बताएंगे कि ये जो उम्मीद की एक लहर दौड़ी थी कश्मीरियों के दरमियान में कि तालिबान आ रहे हैं और तालिबान फिर हमें सपोर्ट करेंगे, ये कहां तक सच्ची थी और ऐसा होगा भी या? देखिये शफ़ा को पॉसिबल नहीं है। देखिए अब ये सिनेरियो वो नहीं है कि जी आप कोई दूसरी जंग अजीम के दौर में रह रहे हों, ये अब मॉडर्न स्टेट सिस्टम है, मुमकिन नहीं है। आपको पता है कि एक ज़माने में था मिलिटेंसी के जरिए चीज़ें होती थी। अब तो आप देखें ना कि जो उनके जो पैलेट गन्स की जो तस्वीरें हैं वो काम करती हैं, जो कोई भी जो है वो बम नहीं कर सकता। आपने देखा कि पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर अब क्या हुआ कि जब इसराइल की फोर्सेस ने कुछ किया तो किस तरीके से वो जो नहते लोग थे उनका मुकदमा जो है वो अमेरिका के अंदर भी लड़ा गया है, किस तरीके से लोग उनकी हिमायत में आए। तो उनके हाथ में तो कोई हथियार नहीं थे। अगर कोई ये समझता है कि तालिबान के असले के जोर के ऊपर या पाकिस्तान के जरिए से कोई मिलिटेंसी करके मकबूजा कश्मीर के अंदर आप रिजल्ट हासिल कर लेंगे तो ये वक्त चला गया है। रिजल्ट आपने सफारतकारी के महाज पे मकबूजा कश्मीर के आवाम की जो अपनी पुरमन जद्दोजहद है उसी की बुनियाद पे आने हैं। इसी चीज को आपने दुनिया के सामने ले जाना है कि किस तरीके से आपने 8-8, 10-10 लाख फौज लगा के जो जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, मिसिंग
पर्सन्स कर रहे हैं, लोगों को जेलों में बंद कर देते हैं। सैयद अली गिलानी के जो जो मैयत है उसके ऊपर जो है वो आप कब्जा करने की कोशिश करते हैं, उनकी फैमिली को जनाजे में शिरकत नहीं करने देते, उनको वहां तदफीन उनकी नहीं करने देते जहां वो चाहते हैं, लोगों को जनाजे में शिरकत से रोकते हैं, मुहर्रम के जुलूसों में शिरकत से रोकते हैं, ईद की नमाजों में शिरकत से रोकते हैं। ये ब्रुटैलिटी अगर आप सफारती महाज के ऊपर लेके आते हैं, चीजें करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्लाशनकोफ के जरिए नहीं, उसका मुकाबला नहीं हो सकता। तो जंग आपको सफारती महाज पे ही जीतनी पड़ेगी, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, पुरमन मजाहमत करनी पड़ेगी, लेकिन बंदूक के जोर के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कश्मीर का मसला हल होगा। ये कलम के जरिए, कैमरे के जरिए, रेजिस्टेंस के जरिए, आवाज के जरिए, उसी जरिए से ये मसला हल होगा, और हमें उनकी आवाज के साथ आवाज मिला के उस आवाज को बुलंद करना होगा दुनिया को सुनाने के लिए। जबरदस्त। कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आखिर में सर? आप हमारे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें, इस मुल्क के लिए दुआ करें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और जितनी मर्जी हमें यहाँ से चीज़ों से इख्तलाफ हो जाए, क्रिकेट का मैच होता है तो हर बॉल के ऊपर दुआ जो है वो बुलंद होती है, हॉकी हो, इवन जो है वो अभी जो उसमें थे जिसमें उन्होंने वो थ्रो वाला था, तो पूरा पाकिस्तान बैठा होता है टेलीविजन के सामने, इस बात की गम्माजी करता है कि हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान के लफ्ज के साथ धड़कता है, हमारी तमाम तर मोहब्बतें, हमारी तमाम चीजें जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। अल्लाह ताला इसको कायम दायम आबाद रखे, ये कायम दायम आबाद रहेगा तो हम और हमारी नस्लें भी जो हैं कायम दायम आबाद रहेंगी। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो ना हम सिंधी हैं, ना पंजाबी हैं, ना बलोची हैं, ना पठान हैं, हम सिर्फ गुलाम हैं। तो हम गुलामी की जंजीरें तोड़ के हम एक आज़ाद रियासत के तौर पे, एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पे दुनिया के नक्शे पे आए हैं। अच्छे काम करें जिससे पाकिस्तान का नेक नामी हो, ऐसा काम ना करें जिससे जो है वो जब हम कहते हैं कि ये धरती माँ के जैसी है, तो कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी माँ की, हमारी रियासत की, हमारे झंडे की बदनामी हो। बहुत खूबसूरत बात और बहुत खूबसूरत पैगाम। तो एक राह नहीं ढूंढ के चलना होगा, हालात का मायार बदलना होगा, और माहौल की तारीकी मिटाने के लिए सूरज को नए रुख से निकलना होगा, और वो सूरज हम और आप इंशाल्लाह ताला निकालेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत वक्त दिया, और ये एक पॉजिटिव जो वाइब्स आई हैं हाफिज तारिक महमूद की तरफ से, वो वाइब्स फैलानी है आपको, प्रोग्राम को शेयर करना है, लाइक करना है, और हमें अपने पैगाम भेजने के आपको ये राय और ये पैगाम कैसा लगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज़।